एक जरा क्वेश्चन करिए। हाँ इसकी वैल्यू बताइए जरा। चलो देखते हैं, निकालते तुमको बाहर। 32, 16 into 2, 48, 16 into 3, डिवाइडेड बाय 8, 4 into 2, प्लस 4 into 3। तो न्यूमरेटर से यहां से क्या बाहर आया? 4 root 2। यहां से क्या बाहर आया? 4 root, यहां से भी 4 बाहर आया, यहां से आया 2 और यहां से आया 2। कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर? बिल्कुल दिख रहा है, 4 दिख रहा है, √2 + √3। डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है जी, √2 + √3, ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए, यानी कि एंड 2 2 = 4। ये है आपका आंसर। बताइए भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? आराध्य बिल्कुल सही है, बाकी लोगों का बताएं भाई। बताइए जी, क्या आया आंसर? जिसका आया वो आरुष का सही आ गया, वीर का। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया वीर। आरुष का भी सही आ गया, बाकी लोग जरा बताएं। सबसे पहला काम, इसको जरा सॉल्व कर लें हम। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? रैशनलाइजेशन। तो क्या करेंगे? √2 - 1 और √2 - 1 से रैशनलाइज करेंगे इसको। तो ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे का बन गया 2 - 1, यानी कि तो 1 बन गया। तो ऊपर स्क्वायर बन गया, ये रूट से बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू है 1.4142, और उसमें से माइनस बाहर कर दिया तो 0.4142। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो कितना आसान होता। सबसे आसान सवाल है ये 4th रूट, ये 3rd रूट और ये 2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू बता दो जी, क्या आएगी? मतलब वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे, क्या इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, जरा जल्दी से बताओ। देखो क्या कहा था, 4th पावर है, तो यानी कि 1 पावर होगी 1/4, तो यानी कि ये इसका मतलब हो गया 1/4, और इसका मतलब हो गया इसकी पावर 3rd, 2 to the power 2 की पावर 1/3, उन सब की पावर 1/4। सिंपल सा काम है, और पावर की पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं ऐसे करके, तो ये हो गई 2 की पावर 1/6। यही है आपका आंसर। समझ में आ गया शायद? ठीक है भाई, दिख रहा है √2, 4th रूट ऑफ 2, 32 का 12th रूट। इसकी वैल्यू बता दो मुझे, सिंप्लीफाई करके क्या आने वाली है, जल्दी कर दो। हाँ भाई, ये है 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4। अच्छा, 32 होता है 2 की पावर 5, ठीक है, और 2 की पावर 5 के ऊपर / 12 लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा? ये बता दो भाई, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? क्योंकि 32 इज 2 to the power 5, और 32 के ऊपर अगर 1/12 हो तो यानी कि 2 की पावर 5, यानी कि 1/12, यानी कि 2 की पावर 5/12। ये मैंने अलग से करके भी दिखा दिया तुम्हें, ये लो। अच्छा, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, यानी कि पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 + 1/4
प्लस 5/12, ये आ गया सिचुएशन। अब इनका एलसीएम क्या है, 12 है, तो ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 5, और ये ऊपर हो गया 12/12, यानी कि 1, यानी कि 2^1, यानी कि 2। वेरी गुड नकुल सिंह, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, अच्छा जरा ये बताना, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। चलो भाई देखो जरा, ये सबसे पहले इस नेगेटिव पावर को भगा दो यहाँ से। हाँ बोलो सर, आंसर इज 1/9। हाँ जी सुन लिया मैंने, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 81, ये तो नेगेटिव पावर को भगाने के लिए क्या करें, ये हो गया भैया, ठीक है, पावर हो गया नेगेटिव गायब। अब ये फोर्थ रूट है, इसको भी उठा के फोर्थ रूट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, यानी और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9^2 उसकी पावर 2 और खोपड़ी पे 1/4, ठीक है, 1 पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1 पे तो कुछ होने नहीं वाला, तो 9^4 × 1/4 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 1/9। भाई क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन समझ में आया। द वैल्यू ऑफ 256 to the power 0.16 और × 256 की पावर 0.09, इसका आंसर बता दो जरा भैया। बहुत सिंपल है, बेस सेम है, मल्टीपल के दिन साइन है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यानी कि 0.16 प्लस 0.09 कितना हो जाता है, ये 25, 0.25, और 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25/100, यानी कि 1/4। अरे भैया ये कैंसिल, अजीब साउंड है, ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 256 की पावर 1/4, और ये हो गया 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 4। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, और ये चारों ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, जरा बताओ फटाफट। आरुष, नकुल, सही है तुम्हारा आंसर, आराध्य जी गलत है आपका आंसर।